प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और जलकल के सभी वर्गों की सेवा संबंधित समस्याओं को सेवा से पृथक संविदा कर्मचारियों की सेवा, बाहरी और ठेकेदारी प्रथा के साथ साथ दैनिक वेतन सहित अन्य समस्याओं को लेकर शुक्रवार को संरक्षण नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति कौशल कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम नगर निगम परिसर में शुरू किया गया था। इस अवसर पर नगर निगम कर्मचारी संघ समिति के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने उप नगर आयुक्त सुमित कुमार को अपनी विभिन्न मांगों का मांग पत्र सौंप कर 2 दिवसीय धरना समाप्त किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अध्यक्ष कर्मचारी संघ राम प्रकाश सिंह ने कहा, देख ले केंद्र सरकार के युवा है, यहाँ पर जो कर्मचारियों का धरना, जो पुरानी पेंशन 2005 के बाद दिया जा रहा है, ये कितना चरित्रार्थ है के साथ कर्मचारियों के साथ भेदभाव करके। नगर आयुक्त गोरखपुर विषय प्रदेश के स्थानीय निकाय कर्मचारियों के एक लंबे समय से लंबित हमारों के गुट न किए जाने के विरोध स्वरूप आंदोलन के संबंध में महोदय दिनांक 20/9/2018 को आंदोलन की नोटिस देकर समय रहते लंबित मांगों की पूर्ति है बैठक करके निर्णय कराए जाने का अनुरोध किया गया था, किंतु समय रहते कोई वार्ता बैठक ये हमारे 15 सूत्री मांग पत्र पर गया। आज हमारा स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के निर्देश पे पूरे प्रदेश के स्थानीय निकाय के कर्मचारी अपने अपने मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन 10, 11 और 12 अक्टूबर को रखा गया था, जिसके क्रम में आज 12 अक्टूबर को आज नगर आयुक्त के माध्यम से नगर विकास मंत्री को ज्ञापन देने के बाद ये हमारा धरना प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा। हमारी 15 सूत्री जो मांग लंबित है उसमें समस्या को निराकरण करें, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करें, स्थानीय निकाय कर्मचारियों की वेतन विसंगतियाँ उसको दूर करें, एचआरए है और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं ठेका प्रणाली समाप्त की जाए और उन कर्मचारियों को अस्थाई कर्मचारी की बात नियुक्ति की जाए, ये हमारी मांग है।